मंगलमय हो, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, क्लेश कलेश रहे ना दुख कहीं भी हो, क्लेश कलेश रहे ना दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो, नहीं पैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं पैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवारं वंदे सचं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम आराम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो सेशन है इसका टॉपिक है प्राणायाम, ध्यान और मंत्र का समन्वय। हम ध्यान भी करते हैं, प्राणायाम भी करते रहे हैं और मंत्र प्रतीक्षा का प्रयोग भी करते हैं, सारे प्रयोग हम करते रहते हैं, तो इन तीनों का समन्वय क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ चंडीगढ़ से सुषमा जी नाटा हमारे साथ जुड़ी है, जानी मानी प्रशिक्षक, पहले भी आप क्लास ले चुकी है हमारे यहाँ, एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर है और साथ में आपने जीवन विज्ञान में एमए किया हुआ है। जीवन विज्ञान में एमए जिन्होंने कर लिया उन्होंने जीवन को जीना सीख लिया। कहते हैं ना कि हमारे देखिए जीवन, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बीच का जो समय है जीवन, उसको कैसे जिया जाए ये हमारे हाथ में है और जीवन विज्ञान हमें वही सिखाता है। हमारे जीवन को कैसे हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं उसके बारे में, तो जीवन विज्ञान के जिन्होंने एमए किया होता है उनको पूरा पूरी कला पूरा ज्ञान होता है जीवन जीने का, जो साइंस है, साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान यानी साइंस ऑफ लिविंग। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत ही शानदार हमें रास्ता बताया, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, जिन्होंने दोनों को अपना लिया फिर तो क्या कहना। तो आप प्रेक्षा प्रशिक्षक भी है और जीवन विज्ञान में भी आपने एमए किया हुआ है, ऐसी एक ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, ओम आराम के साथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए सुषमा जी का स्वागत कीजिए। ओम आराम सुषमा जी, ओम आराम, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। एमपीके फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र के सभी सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, सभी ध्यान साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम और बहुत बहुत आभार कि एक बार फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे स्थान मिला। पहले हम बॉडी लव मेडिटेशन में मिले थे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राणायाम, ध्यान और मंत्र का समन्वय। तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा एक सवाल रहेगा आप सभी को, जिसका आंसर मुझे नहीं देना है, आप अपने मन में सोच के रखेंगे, एक सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और एक सवाल रहेगा कि आपके जीवन की वो कीमती चीज कौन सी है, आपके जीवन की वो कीमती चीज कौन सी है, आप अपने मन में सोच के रखिए। आपके जीवन की जो कीमती चीज है या हमारे जीवन की जो कीमती चीज है वो है हमारी सांसें। एक सांस से 72,000 नाड़ियां चल रही है,
एक श्वास से पूरा शरीर का तंत्र 60 अरब न्यूरॉन्स चल रहे हैं। शरीर है तो ये जीवन है, जीवन के श्वासों के बिना हमारा ये शरीर निर्जीव है, एक अडोल है। तो आज का जो सेशन है वो यही है कि प्राणायाम, ध्यान और मंत्र तीनों को जोड़ के एक किस तरीके से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा को हम पूरे जीवन भर साथ में चला सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा प्राणायाम, तो प्राणायाम हमें क्या सिखाता है, किस तरीके से हमें श्वासें लेनी चाहिए, किस तरीके से श्वासों को दीर्घ करना चाहिए, कितने टाइम में कितनी श्वासें लेनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें प्राणायाम सिखाता है। दूसरा चीज है ध्यान। ध्यान का अर्थ ये होता है, या ध्यान करने वालों का जो जो बेनिफिट मिलता है वो रहता है कि हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में सोई हुई शक्तियों को या हमारी ऊर्जा को किस प्रकार ऊर्जान्वित कराता है, वो होता है ध्यान। ध्यान ही हमारे शरीर के अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाता है, हमें ऊर्जान्वित करता है। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मंत्र। तो मंत्र तो अपने आप में ही ऊर्जा का पुंज है, एक-एक मंत्र में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां छिपी हुई होती है। तो आज हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्राणायाम को, ध्यान को और मंत्र तीनों को ही हमने एक साथ जोड़ देना है। तो आज का जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे, प्रयोग करने से पहले मैं आपको एक ये चयन कर लीजिए, आप एक मंत्र का चयन कीजिए, जिस मंत्र के प्रति आपका बहुत एक अटूट विश्वास है उस मंत्र का आप चयन कीजिए। जैसे ओम नमः शिवाय, नमो अर्हंताण, मतलब कोशिश रखिए थोड़ा छोटा हो जिससे प्रयोग में आसानी रहेगी। तो एक कोई भी आप मंत्र का चयन कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा समताल श्वास प्रेक्षा। समताल श्वास प्रेक्षा यानी अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। पहले श्वास लेंगे, बोथ नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे, पूरा लंग श्वासों से भर लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, श्वासों को होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे बोथ नोस्ट्रिल से श्वासों को आउट करेंगे और बाहर भी होल्ड करेंगे। ये हुआ समताल श्वास प्रेक्षा या अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। बाहर भी होल्ड करेंगे मतलब श्वासों को थोड़ा लेंगे नहीं। तो इस प्रयोग को हम स्टार्ट करते हैं। तीनों चीजें आप आंख बंद रखिए, जैसे जैसे मैं बोलती रहूंगी वैसे वैसे पहले श्वासों पे, फिर श्वासों पे ध्यान, फिर मंत्र। आईज क्लोज, इन, होल्ड, आउट, होल्ड, पूरा ध्यान श्वासों पे, इन, होल्ड, आउट, होल्ड, पूरा ध्यान श्वासों पे बना रहेगा। लेती हुई श्वास में ओम का ध्यान, होल्ड, बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। जो भी आप मंत्र चूज किए हो आप उसको कनेक्ट कर लीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय को पढ़ लीजिए। होल्ड, लेती हुई श्वासों में ओम, होल्ड, श्वासों को चेस्ट के अंदर में होल्ड करके रखिए। आउट नमः शिवाय, होल्ड, हर श्वास में ओम का ध्यान, बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय, पूरा ध्यान श्वासों पे बना रहेगा।
इन होल्ड आउट होल्ड लेती हुई श्वासों में हूं। सिर्फ ध्यान करना है, चैंट नहीं करना है। बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। पूरा ध्यान श्वासों पे, शांत भाव से लेती हुई श्वासों में ओम का ध्यान। बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। रिलैक्स, दोनों हथेलियों को रब कीजिए, आइस पे रखिए। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा रहेगा समवर्ती श्वास प्रेक्षा यानी अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, राइट से आउट करेंगे, राइट से इन करेंगे, लेफ्ट से आउट करेंगे। स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट नोज इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। अंगुली और अंगूठे को ऐसे करते रहिए। धीरे धीरे श्वासें लेंगे और उससे भी ज्यादा धीरे आउट करेंगे। 4:8 का रेशियो रखेंगे, जितना समय श्वास लेने में उसका डबल समय आउट करने में लगाएंगे। लेफ्ट नोज इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। आंखें बंद रहेगी, ध्यान श्वासों पे रहेगा। लेती हुई श्वास में ओम का ध्यान। बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। लेफ्ट नोज इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। पूरा ध्यान श्वासों पे, लेती हुई श्वास में ओम का ध्यान। बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। हल्केपन का एहसास होगा, मन में शांति का अनुभव होगा। श्वासों के साथ जुड़ते जाएं, लेती हुई श्वास में ओम का ध्यान। बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। लेफ्ट नोज इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। धीरे धीरे श्वासें लेंगे, उससे भी ज्यादा धीरे आउट करेंगे। पूरा ध्यान श्वासों पे रहेगा, मंद गति से श्वासें शरीर के भीतर जाएगी, मंद गति से श्वासें बाहर आएगी। लेती हुई श्वासों में ओम का ध्यान। बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय।
लेफ्ट नोज इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, पूरा ध्यान श्वासों पे, एक शांति का अनुभव। लेती हुई श्वास में ओम का ध्यान, बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। लेफ्ट नोज से आउट करते हुए रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथों को रखते हुए आईज भी रखेंगे। तीसरा प्राणायाम हमारा रहेगा कपालभाति प्राणायाम, जो दोनों बोथ नोस्ट्रिल से सिर्फ श्वासों को आउट करना है, श्वासों को लेना नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे मीडियम ही करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, स्टार्ट कीजिए। जैसे ही श्वासों को आउट करेंगे पेट भीतर जाएगा और श्वासें इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप आती है, अपने को लेनी नहीं है। कपालभाति प्राणायाम, आंखें बंद रहेगी, ध्यान आपका नाभि के ऊपर रहेगा, लगातार करते रहें। ध्यान नाभि पर और मन के अंदर में रम बीज मंत्र का ध्यान रहेगा। तेजस केंद्र यानी मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है, तो मन ही मन में रम 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 रम, जैसे जैसे कपालभाति चलता रहेगा वैसे वैसे अंदर ही अंदर मन ही मन में रम का ध्यान करना है। कपालभाति प्राणायाम और ध्यान नाभि पर, मंत्र रहेगा रम, RAM, रम 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 का ध्यान चलेगा। थकेंगे थोड़ा रुकेंगे, फिर वापस से स्टार्ट करेंगे। रम 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 आंखें बंद रहेगी, ध्यान नाभि पर रहेगा, रम बीज मंत्र का साथ में ध्यान चलता रहेगा। रम 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 बोलना नहीं है, सिर्फ ध्यान करना है। श्वासें सिर्फ आउट करेंगे, लेंगे नहीं। पेट भीतर जाएगा, ध्यान नाभि पर बना रहेगा, रम का ध्यान चलता रहेगा। रम 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 मध्यम गति से करेंगे, ना बहुत फास्ट ना बहुत धीरे। थकेंगे थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल ब्रेथ करेंगे, वापस से स्टार्ट करेंगे। बोथ नोस्ट्रिल से सिर्फ श्वासों को आउट करेंगे, लेंगे नहीं।
रिलैक्स, दोनों हथेलियों को रब कीजिए, आइस पे रखिए। नेक्स्ट रहेगा महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि यानी ये खुद ही एक तरह का मंत्र ही है हमारे लिए। तो महाप्राण ध्वनि स्टार्ट करेंगे, श्वास लेंगे और नाक और मुंह से, गले से नहीं, नाक और मुंह से ये वाली जो ध्वनि रहेगी भ्रमर के समान, और आपका जो ध्यान रहेगा वो चोटी वाले स्थान पे, ज्ञान केंद्र पर आपका ध्यान रहेगा, और आपका ध्यान ज्ञान केंद्र पर और महाप्राण चलेगा। पूरा वाइब्रेशन आप मस्तिष्क के पिछले हिस्से में फील करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगा के बैठेंगे, मन बिल्कुल शांत रहेगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। श्वास लीजिए, ध्यान ज्ञान केंद्र पर, शांत भाव से, चेहरे पर कोई भी चिंता के भाव नहीं रहे, शरीर को शिथिल रखें। श्वास लीजिए, पूरा ध्यान ज्ञान केंद्र पर, महाप्राण चलता रहेगा, प्राण के प्रकंपन या वाइब्रेशन को ज्ञान केंद्र पर मस्तिष्क के पिछले हिस्से पर फील करेंगे। पूरा ध्यान ज्ञान केंद्र पर बना रहेगा, महाप्राण चलता रहेगा, मस्तिष्क के पिछले हिस्से में वाइब्रेशन, हल्के हल्के प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। पूरा ध्यान ज्ञान केंद्र पर, महाप्राण से हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें कि मस्तिष्क के पिछले हिस्से में हल्के हल्के प्रकंपन हो रहे हैं, वाइब्रेशन जैसी फील हो रही है।
रिलैक्स, दोनों हथेलियों को रब करते हुए आइस पे रखेंगे। नेक्स्ट हम और लास्ट संकल्प से सिद्धि में जाएंगे। संकल्प से सिद्धि होती है, ये मेरा प्रैक्टिकल और पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि जो संकल्प हमने रखा वही संकल्प हम लगातार अगर उस पे ध्यान करते रहें और उस पे वर्क करते रहें तो एक दिन हमारे संकल्प की सिद्धि जरूर होती है। तो आज मैं उसी का प्रयोग करवाऊंगी। आप अपने मन में, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगी, आप अपने मन में एक संकल्प रखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने मन का कोई भी संकल्प रख सकते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आप संकल्प रख सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं पूर्ण स्वस्थ होने के उद्देश्य से यह जाप कर रही हूँ। तो मैंने अपना संकल्प क्या रखा, पूर्ण स्वस्थ होने के उद्देश्य से। उसकी जगह आप अपने संकल्प की लाइन को कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, पहले आप अपना सोच लीजिए संकल्प को कि कौन सा संकल्प मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कब एक संकल्प का चुनाव करें। इस प्रयोग के दौरान आप आंखें बंद रहेंगे, पूरी तरीके से आप अपने साथ जुड़े रहेंगे और संकल्प करें, मैं आंखें बंद रखेंगे, हाथों को वीतराग मुद्रा में रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को अपनी गोद में रख लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, संकल्प करें, मैं अपनी संकल्प वाली लाइन को वहां पे कनेक्ट कीजिए। पूर्ण होने के उद्देश्य से यह जाप कर रही हूं। गहरी लंबी सांसों के साथ जुड़ जाएं, धीरे धीरे सांसें शरीर के भीतर जा रही है, धीरे धीरे सांसें बाहर आ रही है। सांसों में कोई भी प्रकार का फोर्स नहीं रहेगा, बिल्कुल शांत भाव से सांसें शरीर के भीतर जाएगी। धीरे धीरे सांसें बाहर आएगी। जैसे ही आप सांसों पे ध्यान लगाएंगे, आप जुड़ते चले जाएंगे, एक-एक सांस के साथ आप जुड़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे सांसें शरीर के भीतर जा रही है, धीरे धीरे बाहर आ रही है। शरीर को शिथिल रखें, आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान को बनाए रखें। धीरे धीरे सांसें शरीर के भीतर जा रही है, धीरे धीरे सांसें बाहर आ रही है। पूरा ध्यान सांसों पे, चारों तरफ से ध्यान को हटा दें, पूरा ध्यान सांसों पे लगा दें। हर श्वास के साथ उस मंत्र को जोड़ दे जो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। लेती हुई श्वास में ओम का ध्यान, बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय।
बिल्कुल शांत भाव से करेंगे, शरीर हल्का होता जाएगा, मन में ऊर्जा का, शरीर और आत्मा में ऊर्जा की अनुभूति होगी। लेती हुई सांसों में ओम का ध्यान, बाहर आती हुई सांसों में नमः शिवाय। हर श्वास में बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। धीरे धीरे श्वासें शरीर के भीतर जा रही है, धीरे धीरे श्वासें बाहर आ रही है। पूरी तरह से श्वासों के साथ जुड़े रहें। लेती हुई श्वासों में ओम का ध्यान, बाहर आती हुई श्वासों में नमः शिवाय। बाहर आते हुए श्वासों में नमः शिवाय के ध्यान को विराम देते हुए आंखें बंद रखेंगे। लेते हुए श्वास में ये भाव रखें कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, और बाहर आती हुई श्वासों में मैं विकार मुक्त हो रही हूं। ये वो विकार हैं जो इस शरीर मन और आत्मा में है। ये एक ध्यान शरीर मन और आत्मा के सभी विकारों को बाहर करेगा, क्योंकि हमारे भाव इसी प्रकार के बने हैं। जैसे भाव वैसा कार्य, जैसे भाव वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसे संस्कार। लेती हुई श्वासों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। बाहर आती हुई श्वासों में मैं विकार मुक्त हो रहा हूं, मैं विकार मुक्त हो रही हूं। आती और जाती हुई श्वासें श्वासों के साथ ऐसे भाव को जोड़ें, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मैं विकार मुक्त हो रही हूं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मैं विकार मुक्त हो रहा हूं। लेती हुई श्वास में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। बाहर आती हुई श्वासों में मैं विकार मुक्त हो रही हूं,
मैं विकार मुक्त हो रही हूं, ऐसे भाव रखते हुए श्वासों से ध्यान को हटाएंगे, मंत्र से ध्यान को हटाएंगे और एक मानसिक चित्र बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपने जो संकल्प रखा है उस संकल्प से संबंधित एक मानसिक चित्र बनाएं, अपने सब कॉन्शियस माइंड को दिखाएं। जैसे आपने रखा कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊं, ये आपका संकल्प है, तो आप एक ऐसा मानसिक चित्र बनाएं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बचपन के जैसे मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और अपने आप को वैसे चित्र में ढालिए, वैसा चित्र बनाएं कि आप बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे अगर किसी का संकल्प है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो अपने आप को डॉक्टर के गणवेश में देखें। हजारों हजारों लोगों को हम स्वस्थ कर रहे हैं, अपना सराउंडिंग उसी टाइप का बनाएं। आप समझ गए होंगे, एक मानसिक चित्र बनाएं, स्वयं को संकल्प के अनुसार देखें, दृष्टा भाव से उस चित्र को देखते रहेंगे। एक मानसिक चित्र अपने मस्तिष्क में एक चित्र का निर्माण करें जो आपके संकल्प से संबंधित है। और उस चित्र को दृष्टा भाव से देखते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने मानसिक चित्र को देखते रहेंगे, ना कोई भाव, ना कोई विचार, ना कोई सोच, सिर्फ और सिर्फ इस चित्र को देखते रहें। मानसिक चित्र को दृष्टा भाव से देखते हुए मन में ये विश्वास रखें कि मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है। 3 बार कहेंगे, मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है, मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है, मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है। आंखें बंद रहेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, अपने गुरु का ध्यान करते हुए दिल से उनका शुक्राना करेंगे, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से हम साधना के मार्ग पर हैं, हम आध्यात्म के मार्ग पर हैं। मैं अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हूँ, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने माता पिता का शुक्रिया, उनका ध्यान करें और दिल से उनका शुक्राना करें कि उनके संस्कारों से मैं इस मार्ग पर हूँ, आध्यात्म के मार्ग पर हूँ। अपने माता पिता का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस स्थान का शुक्रिया, यानी धरती माता का शुक्रिया कि मुझे ये स्थान मिला कि मैं साधना कर सकूं, मैं आध्यात्म की अध्ययन कर सकूं, उसके मार्ग पर चल सकूं। धरती माता का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
और अंत में अपने इष्ट का ध्यान करते हुए भाव विभोर हो जाएं कि मैं अपने इष्ट का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज की प्रथम किरण मेरे जीवन में देने के लिए मेरे इष्ट का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आप सभी ने मुझे सुना इसलिए आप सभी का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करते हुए पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आंखों के ऊपर रखेंगे। ओम अरहम। ऐसा फील हो रहा है मधु जी? यस, बहुत अच्छा, मेरी आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा। सच में बहुत अच्छा लग रहा, सच में बहुत अच्छा। थैंक यू देखिए, स्नेहा छोटे जी, छोटे थैंक कुछ यू स्नेहा प्रयोग, जी। छोटे छोटे प्रयोग जिसमें प्राणायाम, ध्यान, मंत्र तीनों का समन्वय करते हुए किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग है जो हमें अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं। जी। आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं हम, तो आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए छोटे छोटे प्रयोग बहुत ही काम के हैं। और मंत्रों की महिमा तो बहुत न्यारी है, सब जानते हैं हम। मंत्रों में कितनी ताकत है ये सब जानते हैं। तो मंत्र के साथ में हम ध्यान करें तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रयोग भी बताए गए हमें। नौकार मंत्र का ध्यान हम करते हैं, आरंभ का ध्यान भी किया जाता है। मैं रोज करती हूँ, सूर्य के आगे खड़ी होकर तो नमस्कार महामंत्र का मैं रोज जाप मंत्र के करती साथ हूँ। ध्यान को जोड़ते हुए, श्वास को जोड़ते हुए प्रयोग कैसे किया जा सकता है? ओम नमः शिवाय मंत्र लिया सुषमा जी ने, तो आप अपने गुरु का ध्यान भी कर सकते हो। जिनाय नमः, जिनेश्वराय नमः, अरहम नमः, कुछ भी मंत्र लिया जा सकता है। मंत्र आप अपने इच्छा अनुसार लीजिए, आपको जिसपे श्रद्धा हो उस मंत्र को लीजिए। आप छोटा सा मंत्र लेके उसका ध्यान कीजिए, ओम जी अरहम ओम अरहम। अभी आपकी कोई जी जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते सर, हो। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका टाइम दूंगी वापस से, कि जो ये संकल्प से सिद्धि मैंने जो करवाई है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जी जैसे पहले हमने संकल्प किया, ठीक है, फिर हमने श्वासों पे ध्यान किया, फिर हमने ओम नमः शिवाय या आपका जो भी मंत्र था वो रखा, फिर हमने जो चौथा स्टेप जो रखा था वो था ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे भीतर जा रही है और बिल्कुल, मैं विकार मुक्त हो रही हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे मैं कोई भी मंत्र रहेगा तो मैं ओम नमः शिवाय ने करवाया तो मैं इसी के ऊपर मैं बात करती हूँ कि ओम जो है वो ब्रह्मांड की एक अनूठी शक्ति है। तो बिल्कुल हमारा भाव क्या है कि हर श्वास के साथ मेरे वो ब्रह्मांड की शक्ति मेरे अंदर जा रही है। और प्रेक्षा ध्यान में तो भाव को ही सबसे बड़ा बताया, भाव से बड़ा बिल्कुल प्रेक्षा ध्यान में कुछ भी नहीं है। तो जैसे हमारे भाव वैसे हमारे रंग वैसा हमारा कार्य। तो हमने भाव कितना बड़ा बनाया कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे भीतर जा रही है। और सभी कोई ना कोई विकारों से तो है ही, कोई किसी के शरीर का विकार है तो किसी के मन का विकार है तो किसी का आत्मिक विकार है, आत्मा के साथ में कोई ऐसा विकार आया हुआ है। तो हमने भाव क्या बनाया कि मेरे बाहर श्वास से जा रही है वो मेरे सभी विकारों को बाहर ले जा रही है। तो ये प्रयोग जो है वो मेरा पूरा आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आप प्रयोग डेली करें क्योंकि इसका हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। एक ही संकल्प रखें, आप सोच लीजिएगा कि कौन सा संकल्प रखना है, तो वो संकल्प को आप डेली अगर 5 से 7 मिनट भी प्रयोग करते हो तो वो आपका संकल्प 100% आपका सिद्ध होगा क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तीसरा स्टेप हमने, लास्ट वाला स्टेप हमने लिया मानसिक चित्र। तो मानसिक चित्र भी प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत वो अंग है कि जब हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को वैसी ही फोटो जी दिखाएंगे, वैसा ही चित्र दिखाएंगे तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा वही वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब हम जी जो चीज हम डेली 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 सोचते हैं तो वही चीजें हमारे साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो सारा काम हमारा सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है, हमारा ब्रह्मांड जो है वो हमारा मस्तिष्क है। तो जैसा हम फोटो, जैसा हम चित्र, जैसा हम सोचेंगे, अपने मस्तिष्क को सुनाएंगे दिखाएंगे, वो हमारा ब्रह्मांड उसी दिन से वही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा संकल्प से सिद्धि का जो था वो इसका ये अर्थ था वो मैंने बताया। और आप पूरे कोशिश कीजिएगा कि इसको आपने जरूर करना है।
जी ओमरम। ओम अरम। बिल्कुल, संकल्प का तो बहुत प्रभाव पड़ता है ये हम जानते हैं, और कोई भी हम संकल्प लेते हैं तो उसे दृढ़ता से पालन भी करना चाहिए। और हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग जब करते हैं तो भी संकल्प सूत्र के साथ करते हैं, कायस्थ का करते हैं तो भी संकल्प सूत्र लिया जाता है, और अंत में भी हमारी क्लास के अंत में भी हम संकल्प सूत्र का उच्चारण करते हैं। तो संकल्पों का हम कितना महत्व है हम सब जानते हैं। संकल्प, जैसा संकल्प आप लेंगे निश्चित रूप से आपके जीवन में घटित होगा। और साथ में आपने जो प्रयोग बताया अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी इसमें आ गया। आपने कहा बिल्कुल भाई हम जब श्वास ले रहे हैं, स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो रुग्ण परमाणु या दोष, शरीर के दोष बाहर निकल रहे हैं। तो हम स्वास्थ्य की अनुपेक्षा जब करते हैं तो ये प्रयोग ही करवाते हैं, तो अनुपेक्षा का प्रयोग भी इसमें आ गया। तो एक पूरा पैकेज, मैं कहूँ प्रेक्षा ध्यान का पूरा पैकेज आज हमने जाना। तो अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हैंडराइज कर। कनक गोलछा कुछ पूछना चाहती है शायद, कनक बोलो। अब जय जिनेंद्र, बहुत जी अच्छा करवाया ना दीदी ने, बहुत अच्छा करवाया आपने। मैंने बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मेरी मम्मी बहुत अस्वस्थ है, बहुत ज्यादा सीरियस है अभी। तो कल मैंने वो जो लिंक आया हुआ था उसका मैंने मेडिटेशन किया और उनको, मेरी तरफ से मैंने उनको एनर्जी दी। तो आज का जो प्रयोग है उसमें मैं कौन सा करके उनको मैं यहाँ से शक्ति पहुंचा सकती हूँ? जी कनक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी आपको कि आज से आप ये लाइन को भी डिलीट कर दीजिए कि वो अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है, कितनी भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में रहे या शरीर में रहे, हमें उनको अस्वस्थता का भाव नहीं देना है। ठीक है, तो अभी से आपने हर दिन उनको यही बोलना है कि आपकी मम्मी स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि अपने तो जो उनकी जितने भी जो अस्वस्थ है तो उनका आपने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी चीज है कि वाइब्रेशन आपको देनी है कि मम्मी अब स्वस्थ हो रहे हैं, मम्मी अब स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक है, और उनके ऊपर में एक मिनट, जी मैं जी ऐसे अनुप्रेक्षा करती हूँ दिन भर कि वो हाँ स्वस्थ हो जी रही है, वो स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ रहे। जी ब्रह्मांड की जितनी भी स्वस्थ की परमाणु है उनके शरीर में जी प्रवेश कर रही है, ये मैं दिन भर अनुप्रेक्षा करती जी रहती बस बस हूँ। इसी से करना है, इसी से करना है। और दूसरा ये है कि अगर आप डीप मेडिटेशन कर सकते, ध्यान कर सकते, तो श्वेत परमाणु को उनके ऊपर में फैलते हुए फील कीजिए, और जैसे जैसे वो श्वेत परमाणु उनके ऊपर में फैलेंगे वैसे वैसे वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। तो और जी बहुत बहुत आभार एमपी की फिटनेस के प्रति, मैं बहुत हाँ बहुत कृतज्ञ हूँ और गुरुदेव के प्रति तो बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे ऐसा शरीर मिला और मैं कर रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ। ओम आराम। और वृषाली जी, जय जिनेंद्र, मुझे एक प्रश्न पूछना था कि ध्यान करते हैं उसके बाद तुरंत क्या नहीं करना चाहिए, वो पूछना था। मतलब पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो स्नान, नहीं तो दूसरा ऐसा क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछना था। और ध्यान तो बहुत अच्छा था और एकदम शांति महसूस हो रही थी। मैम ध्यान के तुरंत बाद में हमें बिल्कुल एकदम से एक्टिव नहीं होना चाहिए, जैसे जोर जोर से बोलना, फटाफट चलना, या गरम चाय कॉफी लेना, मतलब जैसे, क्योंकि कायोत्सर्ग का तो कुछ ना कुछ पार्ट हमारे हर मेडिटेशन में आता ही है, चाहे छोटा पार्ट रहे या बड़ा पार्ट। तो शरीर का उस टाइम में एक एक सेल रिलैक्स हो चुका होता है, बिल्कुल शिथिल हो चुका होता है, तो उसको एकदम से एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम ध्यान किए, अब 10 बज गए तो हमको इतना काम है तो हम फटाफट काम करेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आप अपने आप को थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट नॉर्मल पोजीशन में लाइए, फिर उसके बाद में आपने जो करना है वैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बिल्कुल, जी देखिए ध्यान संपन्न करने के बाद तुरंत बाद तो उठना ही नहीं चाहिए, इस बात का जी ध्यान रखें। ध्यान जब भी आप 10 मिनट का ध्यान करो, 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, कुछ पल आपको बिना हिले डुले आंखें खोल दिए आपने, जो आपने अनुभव किया उसे आंखें बंद किए उसको अनुभव करते रहिए कुछ पल। जी हम जब भी शिविरों में जाते हैं, ध्यान संपन्न होता है तो 1-2 मिनट चुपचाप सब मौन बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, मैं मैं चेतन आनंदमय हूँ, हूँ, मैं मैं शक्तिमय आनंदमय हूँ, हूँ, मेरे मैं भीतर शक्तिमय हूँ, अनंत मेरे चैतन्य भीतर का
अनंत जीवन के आनंद चरित्र का, अनंत शक्ति का का सागर लहरा सागर रहा है। इसका साक्षात्कार लहरा करना ही मेरे जीवन का परम मेरे लक्ष्य। जीवन का हमारा लक्ष्य आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय मंगलमय हो, शांतिमय हो, निशुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम हो। सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि आभारी है हम सब गुरुदेव के हम आभारी। लोग देव के बहुत आभारी बहुत हैं। धन्यवाद सुषमा जी आपका। जो भी भाई बहन जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक हाँ यू थैंक आज अशोक जी थे, शायद अशोक जी अभी लेफ्ट हो गए। मधु जी संकल्प सूत्र आप, हमारा स्लोगन आप बोलिए आज। यू। यस फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज रोज, रोज फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज। रोज। ओम अरहम, ओम थैंक यू अरहम। ओम अरहम।